तो अभी कल ही YouTube ने उनका चैनल डिलीट कर दिया और जनस्ट्रेंड की भी आपने क्लिप भी देखी जिसने जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ट्वीट करें अपने फॉलोअर्स को अपने दोस्तों के ट्विटर पे ट्वीट करें यूट्यूब को करें कहें कि फिर से उनका यूट्यूब चैनल रिस्टोर करते जल्द से जल्द बट हुआ गया था पहले भी उनके चैनल पे शायद से दो स्ट्राइक्स पहले की आई हुई थी और उन्हें अभी कुछ टाइम पहले से मतलब एक हफ्ते से उन्हें कोई वीडियो नहीं डाली थी बट एक दो दिन पहले जैसे ही उन्हें वीडियो डाली उसके बाद कल क्या हुआ उनका यूट्यूब ने चैनल ही डिलीट कर दिया तो जिसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा उनके फ्रेंड्स कह लीजिए सब ने राजा डी सी अंकुश एयरकिल सब ने स्टोरी वगैरह डाल के इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स से भी कहा है एग्जाम स्टूडेंट के फॉलोवर से भी कहा कि उनको सपोर्ट करें रीट्वीट करें कि उनका चैनल भी रिकवर हो जाए फिर से तो आप भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं ट्विटर पर जाके यूट्यूब इंडिया को टैग करके और रिटवी वो रिस्टोर करने को कह सकते हैं अब मुश्किल है रिस्टोर करना बट शायद से हो भी सकता है चैनल बट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है आ, उनका चैनल काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था भी की भी ले ली थी तरक्की तो रहा था, था तो मैं रहता, फुल, राजा डीसी के दोस्त और भी मानिके वगैरह सबने स्टोरी डाल के जानू स्टंट्स को स्पोर्ट करने के लिए कहा काफी उनके फॉलोअर्सोर्ट भी कर रहे हैं वही पे आशीष कोहली जर्नली जो स्टंट के अगेंस्ट में बोलते रहते क्योंकि वो रैश करते रहते हैं स्टंट वगैरह करते रहते हैं हाईवे पे उनने भी यहाँ तक उनने भी उनको सपोर्ट करा है उनने भी कहा कि आप यूट्यूब को कहा है कि अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू कि उनका चैनल री कर दिया जाए जल्द से जल्द तो आशीष कोहली ने भी अपने क्या यूट्यूब वीडियो में जो उनकी न्यूज़ चैनल के थ्रू आती है उसमें कहा है कि चार का यूट्यूब चैनल जल्दी से जल्दी रिस्टोर होना चाहिए क्योंकि उनको पता है उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी और उन्हें यह कहा कि हाईवे वगैरह पर स्टंट वग़ैरह ना हमारे अलग साइड पर स्टंट मार सकते हैं बट अगर हाईवे वगैरह पे स्टेंट मारेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे और उनट्यूब से कहा कि उनके चैनल को रिस्टोर कर दिया जाए वहीं पे अभी तक आमिर माजिद ने जानू स्टंट के लिए कुछ भी नहीं कहा चैनल रिस्टोर करने के लिए अभी तक जान स्टंट के सपोर्ट में नहीं आया क्योंकि वो अभी काफ़ी बिजी है अपने सॉन्ग को लेकर जो कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था उसका नया सॉन्ग आने वाला है सॉन्ग का पोस्टर रिलीज़ हो चुका है आप देख सकते हैं तो कुछ ही दिन में सॉन्ग भी आ जाएगा जिसमें आपको आमिर मास्द आराम माजिद और इसकी शूटिंग कश्मीर में देखने को मिल जाएगी तो अभी सॉन्ग को लेके बिजी है आमिर माजिद काफ़ी ज़्यादा और तभी अभी तक आपको उनका सॉन्ग देखने को नहीं मिला ना ही ट्वीट देखने को मिला ना ही कोई स्टोरी देखने को मिली जानू स्टंट के लिए शायद से आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगी क्योंकि वो भी अच्छे दोस्त रहे थे एक टाइम पर और शायद से अभी भी अच्छे दोस्त हैं वहीं पर सबके फेवरेट हमारे फेवरेट बाबू भैया यू के जीरो सेवन राइटर की बात कर ले यू के जीरो सेवन राइटर के जैसे कि रिसेंटली नया सॉन्ग आया था साहिबा जिसने चार दिन में चार लाख से ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर दिए हैं जो कि उनकी फ्रेंड के साथ आया था सॉन्ग काफी ज्यादा तबाही कर रहा है सॉन्ग काफी ज्यादा अच्छा आप भी चाहें तो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बना के उनको टैग करके तो उसके बाद यूकी जीरो सेवन हंड अपनी इंस्टा स्टोरी भी आपकी वीडियो शेयर कर सकते हैं तो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सॉन्ग काफ़ी ज्यादा अच्छा कर भी रहा है बाकी इसको छोड़ के बाबू भैया की बात कर लें वो अपनी न्यू बाइक लेने के लिए पहुंच चुके हैं बट वो कंफ्यूज हैं कि न्यू एच टू लें कवासा के या ओल्ड वाली लें ओल्ड वाली उनको लगभग 50 प्लस की पड़ रही है मोडिफिकेशन के साथ और जो न्यू वाली है फोर्टी एट लैक की पड़ेगी उनको ऑन रोड तो वो अपने फ़ैन से पूछ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज करके या उनकी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं न्यू या ओल्ड और मेरे से पूछे तो मैं अब कह सकता हूँ कि न्यू ही बाइक ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इतना जो ओल्ड वाली है ना वो दो मॉडल है और न्यू वाली तो अभी मतलब आएगी ना लेटेस्ट मॉडल होगा और ओल्ड वाली न्यू वाली बराबर ही पड़ रही है हालांकि ओल्ड वाली मोडिफिकेशंस के साथ थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। तो अब अगर उनके फैंस ने इतना वेट करा ही है तो अब थोड़ा सा वेट और भी कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगा कि न्यू वाली एच टू और न्यू वाली एच टू के साथ ही हमको बाबू भैया यू पी जीरो सेवन जल्द ही दिखें तो यही था इस छोटी सी वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब